गाइस, ये वीडियो होने जा रहा है सिंह राशि अगर आपकी सन साइन है, लियो अगर आपकी सन साइन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब अगर आपको नहीं पता है सन साइन क्या है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ये सारे डेट्स के बीच में, तो आपकी सन साइन है लियो और आपको ये वीडियो देखना है। अब ये वीडियो में हम प्रेडिक्शंस उसी के साथ साथ गाइडेंस भी देखने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, बिकॉज गाइडेंस पॉइंट्स जब आप फॉलो करेंगे उसको, फॉलो करने से आपके आने वाले महीने, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ही ज़्यादा बेटर, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। सो यस, कोशिश करो कि गाइडेंस ज़रूर फॉलो करो। एंड मैं हूँ प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज तक मैंने हज़ारों लोगों के रीडिंग्स किए हुए हैं दुनिया भर के लोगों के लिए, और यस, ये बताने के पीछे रीज़न ये था ताकि आपको पता लग पाए कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति के पास ये रीडिंग ले रहे हैं और आप इस रीडिंग के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यस, सिंह राशि के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहने वाला है ये महीना। भावनात्मक तौर पर काफ़ी ज़्यादा आप संतोषजनक फील करने वाले हैं इस महीने, और दिस इज़ वेयर ओके, जहाँ पर सी, अब भावनात्मक तौर पर जो जब आप संतोष महसूस करते हैं, तो या तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ है, राइट, आपको आपके सारे रिश्ते, आपके जितने भी रिश्ते आपके करीब आते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से, बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक आपके साथ बर्ताव करते हैं, कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी संतोषजनक महसूस होता है। इट कुड बी दैट, या फिर कभी कभी समय ऐसा होता है, कभी कभी स्टार्स ऐसे होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली सब कुछ सही चल रहा होता है, कि जिसकी वजह से कुछ खास नहीं हुआ है, बट फिर भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग फील करते हैं। सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू फील ड्यूरिंग दिस मंथ। तो एक तो अच्छी बात है कि आप अच्छा फील करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए कोई ऐसी स्त्री है आपकी लाइफ में, अगर आप एक स्त्री हैं तो ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस्ड रहने वाले हैं, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये महीना, स्पेशली आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए, आपके एम्बिशंस पूरे करने के लिए। अब अगर आप स्त्री नहीं है, अगर आप पुरुष हैं, तो ये है कोई स्त्री के जो आपके सबसे करीब है, ये आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी मम्मी हो सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्रिवन, बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स के प्रति, यस, आपको दिखेंगे ये कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स के पीछे बिल्कुल जुनूनी हो गए हैं, और इस महीने में हो सकता है कि ये शायद आपसे आपकी बात ज़्यादा ना सुने, ये सिर्फ अपनी ही करे, और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जो ये कहते हैं, जो वो सुन, जो वो करना चाहते हैं, उसको बस आप सपोर्ट करें, उसको बस आप उनकी हेल्प करें बस वो करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू। दूसरी बात ये है कि आपको भी, ओके, दिस इज़ फॉर यू एज वेल, आपको भी एक्शंस लेने हैं इस महीने। एक्शंस कैसे लेने हैं? आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसको पूरा करने के लिए। अब आपके ड्रीम्स और गोल्स क्या हो सकते हैं? इसी दुनिया के हर एक व्यक्ति के ड्रीम्स एंड गोल्स होते हैं, अगर आपने कॉन्शियसली सभानतापूर्वक नहीं सोचा है कि आपके ड्रीम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, फिर भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स, आपके गोल्स डेफिनेटली आपके माइंड में चल रहे होंगे। जैसे कि ईयर के एंड से पहले कार लेनी है, राइट, 2 साल के अंदर अंदर घर लेना है, ऐसा शायद आपका गोल हो सकता है। सो दिस कार्ड सेज, दिस वाला, ये वाला स्पेशली कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना शुरू करें, अपने गोल्स के ऊपर एक्शन लेना शुरू करें, तब चलकर कुछ ना कुछ होगा। अगर ड्रीम करते रहे बट उसके ऊपर एक्शन ना ले, तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर बताया जा रहा है, ये वाला कार्ड कहता है मून के प्रति आपकी एनर्जीज काफ़ी सेंसिटिव रहने वाली है। अब ये कार्ड, जैसे मैंने कहा, एक्शन ओरिएंटेड है, ये कार्ड गाइडेंस का कार्ड है, तो अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं ड्रीम के प्रति, फिर भी इट इज़ योर चॉइस, बट अगर आप एक्शन लेते हैं तो आने वाला आपका जो समय है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा यू विल बी थैंकफुल टू योर सेल्फ कि अरे यार, मैंने उस समय पर सही किया कि जो एक्शन ले ली थी। ठीक है, दिस कार्ड एक्चुअली सीज आपके जो मून के फेजेस है उसके प्रति आपकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है इस महीने। एंड ये जो सेंसिटिविटी है आपको, स्पेशली जब फुल मून और न्यू मून है, अमावस और पूर्णिमा है, उसके टाइम पर आपको ये सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस होगी। तो इसीलिए ये वाला कार्ड कहता है कोशिश करो, आपके कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो आप अमावस या पूर्णिमा के आसपास उसको स्केड्यूल ना करो। ठीक है, दैट बीइंग सेड, द लास्ट कार्ड यहाँ पर कहता है कि
ये मंथ है सेल्फ ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेल्फ ग्रोथ। यू नो इंडिया में शायद बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करते हैं, सबको सिर्फ पैसे की पड़ी है, बट सेल्फ ग्रोथ इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। सेल्फ ग्रोथ आप जितना करते हैं उतना ज़्यादा आपका लाइफ का प्रोग्रेस होगा। तो ये महीने आप जितना सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ ग्रोथ जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर में अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर कैसे फोकस करना है, मेडिटेशन कीजिए, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, राइट, आपके गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए, कैसे आप कौन से गोल्स आपने पूरे किए, कौन से गोल्स नहीं, आपकी इच्छाओं की यू नो रिस्पेक्ट कीजिए, तो वो हो गया सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए एंड मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीखकर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले, यस जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है टैरो प्रोफेशनल कोर्स के, जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके, ये क्लास आप करने के बाद दिस इज लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है, बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी यू नो ये क्लास सीखने के बाद आप यू नो टैरो कार्ड्स सीखने यस टैरो कार्ड्स सीख कर आप यू नो रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की यू नो मेरी वेबसाइट पर दी गई है, मेरी वेबसाइट के लिंक यहाँ कहीं पर यू नो आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए। एंड यस, ट्राई टू रजिस्टर अगर क्लास है तो, अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप यू नो फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप यू नो उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है।